वैसे तो रांची में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस हैं जिसकी अपनी खासियत होती है, चाहे क्वालिटी एजुकेशन देने के मामले में हो, चाहे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर अफोर्डेबल है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग लोग चूज करते हैं कि कौन सा यूनिवर्सिटीज और कॉलेज अच्छा है। ऐसे ही एक बेहद ही फेमस यूनिवर्सिटी का आज हम लोग टूर करने वाले हैं। वह यूनिवर्सिटी है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची। हेलो एवरीवन, दिस इज चंद्रदेव, आप देख रहे हैं रांची जोन। अगर आप हमारे चैनल में तो प्लीज रांची जोन को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो से कनेक्ट रह सके। तो सबसे पहले आज हम लोग चलेंगे रांची का फेमस कॉलेज में से एक DSPMU का टूर करने। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग हैं DC ऑफिस के जस्ट बगल में, जिसके रास्ते में अगर आप खड़े होते हैं तो आपको मोराबादी जाने की रास्ता मिलती है मैदान जाने की, और दूसरी तरफ खड़े होते हैं सीधे तो आपको रांची कॉलेज या फिर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी जाने की रास्ता मिलती है। तो हम लोग एंट्री कर चुके हैं कैंपस के रास्ते पर, और ये आप देख सकते हैं कि ये जो अभी एंट्री किया एक गाड़ी वह है रांची यूनिवर्सिटी, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर आपको स्टूडेंट रांची कॉलेज के दिख जाएंगे। मैं यहाँ पर रांची कॉलेज ही कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग रांची कॉलेज के नाम से ही जानते हैं इस डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी को। सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न मैं दूर कर देता हूँ कि रांची यूनिवर्सिटी और रांची कॉलेज और डॉक्टर श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी में क्या डिफरेंस है, कौन क्या है, कौन कॉलेज है, कौन यूनिवर्सिटी है, कौन सेम है, क्या नहीं है, वो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि रांची यूनिवर्सिटी एक अलग यूनिवर्सिटी है जिसके अंडर में बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी अलग अलग होते हैं। कॉलेज उसको बोलते हैं जो यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है, और यूनिवर्सिटी उसको बोलते हैं जिसके अंडर में बहुत सारे कॉलेजेस चलते हैं। और अगर बात की जाए रांची यूनिवर्सिटी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी में क्या डिफरेंस है, तो पहले रांची कॉलेज हुआ करता था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी, लेकिन अब जो है यह कॉलेज नहीं रहा, अब यह यूनिवर्सिटी बन चुका है और रांची यूनिवर्सिटी एक अलग यूनिवर्सिटी है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो इस मोराबादी के जस्ट बगल में, मतलब अगर ऑक्सीजन पार्क के जस्ट बगल में बोला जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि यह दोनों यूनिवर्सिटी सामने में ही सिचुएटेड है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी और रांची यूनिवर्सिटी। मतलब अब रांची कॉलेज नहीं रह गया है, मतलब उसे अपग्रेड करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी बना दिया गया है। अब यह एक कॉलेज नहीं बल्कि एक यूनिवर्सिटी है। तो आज हम लोग चलेंगे इस डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के न्यू बिल्डिंग के कैंपस का टूर करने के लिए। बिल्डिंग टूर का स्टार्टिंग करते हैं एक कोट से, जो सक्सेस का पायदान कैसे चढ़ी जाती है वह बताया गया है। उसके बाद हम लोग अभी खड़े हैं स्कूल ऑफ लॉ के जस्ट बगल में और स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ डिपार्टमेंट के जस्ट बगल में। तो यहाँ पर आपको जो है लॉ की डिपार्टमेंट जस्ट बगल में दिख जाएगी, उसके अलावा जो है आप यहाँ पर मैनेजमेंट की डिपार्टमेंट देख सकते हैं जहाँ पर आप BBA और MBA जैसे कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो इस बिल्डिंग की खूबसूरती बेहद ही ख़ास दिखती है। इसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ पर देखकर लगेगा कि ये कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं है, लगेगा कि यह प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको यहाँ पर बहुत सारे फैसिलिटीज़ देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि आपको यह सेमिनार हॉल दिख रहा है, यह सेमिनार हॉल है, यहाँ पर क्लासेस भी चलती हैं। तो आपको लगेगा कि यह जो है कोई बड़ा यूनिवर्सिटी का है या फिर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी का है, ऐसा लगेगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है। यहाँ पर आपको बहुत सारे फैसिलिटीज़ मिलने वाली है, और अभी हम लोग और भी टूर करने वाले हैं कि यहाँ पर आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये क्लास नहीं है बल्कि ये सेमिनार हॉल है, लेकिन यहाँ पर क्लासेस भी चलती हैं। अभी के मामले में देखा जाए तो रांची यूनिवर्सिटी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी रांची के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से एक हैं। अभी जो अगर आप सोचेंगे कि कौन सा फेमस यूनिवर्सिटी में चल रहा है, तो आपको बहुत सारे लोग ये कहते हुए मिल जाएंगे कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी जो है वह ठीक है, अच्छा पढ़ाई होता है, अच्छा एजुकेशन भी दिया जाता है, ऐसा बोला जाएगा। आपको बहुत सारे लोग बोलते हुए भी दिख जाएंगे। आप किसी से पूछते भी होंगे कि जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी ये कहाँ है, क्या है, ऐसा लगेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है या फिर कहाँ है। तो बहुत सारे लोगों को ये कहना पड़ता है कि रांची कॉलेज ही है और रांची कॉलेज ही हम लोग जाते हैं, ऐसा बोलना पड़ता है बहुत सारे लोगों को। तो ये जो रांची यूनिवर्सिटी के जस्ट बगल में आपको रांची कॉलेज, मतलब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी देखने को मिल जाएगा, और यह रांची का फेमस कॉलेज में से एक है। आप देख सकते हैं कि इसका जो है कैंपस कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग, ठंड का दिन है तो जो है धूप ताप रहे हैं और बाहर ऐसे खड़े हैं अभी क्लासेस, शायद बहुत सारे लोगों को क्लासेस जो है आगे पीछे चलती हैं, ऐसा
बोलना बिल्कुल भी गलत होगा कि लोग यहाँ पर पढ़ाई नहीं होती इसलिए बाहर खड़े होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। सभी लोगों क्लासेस जो है अलग अलग होती है, किसी की मॉर्निंग सीटिंग में होती है, किसी की आफ्टरनून में होती है, किसी की इवनिंग में होती है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस चलते हैं। तो ये कहा नहीं जा सकता किसका क्लास कब चल रहा है, तो जब क्लास चलती है तो ये लोग अंदर चले जाते हैं अपनी क्लास के लिए। तो जैसे कि 9 बजे से स्टार्ट हो जाती है क्लास होना ज़्यादातर, और उसके बाद शाम 4 बजे से 5 बजे तक चलती है बहुत सारे क्लासेस। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी मैं फर्स्ट फ्लोर में हूँ और ग्राउंड फ्लोर का आप जो है नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर लोग खड़े हैं और गाड़ियाँ खड़ी हैं। यहाँ पर पार्किंग करने के अलावा जो है आप अंदर आएंगे तो आपको दिखेगा कि बेहद ही खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग दिख जाएंगे, जो इस बिल्डिंग का बनावट है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इस न्यू एकेडमिक बिल्डिंग या फिर वोकेशनल बिल्डिंग में या फिर एग्जामिनेशन बिल्डिंग बोल सकते हैं इस बिल्डिंग को, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कैरिकुलम होते रहते हैं, या फिर इसे एग्जामिनेशन बिल्डिंग बोला जाए या फिर एकेडमिक बिल्डिंग बोला जाए या फिर वोकेशनल बिल्डिंग बोला जाए, तो कुछ भी गलत नहीं होने वाला है। उसके बाद हम लोग आ चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। यहाँ पर आप आएंगे तो आपको बहुत सारे लोगों के जो है देखने के लिए मिल जाएंगे कि किसके किसके प्लेसमेंट यहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ पर आगे आएंगे तो आपको जो है डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट का जो है डिपार्टमेंट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। अभी हम लोग खड़े हैं ELL डिपार्टमेंट के जस्ट बगल में। ELL मतलब होता है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर डिपार्टमेंट। यहाँ पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज डिपार्टमेंट के बहुत सारे स्पेशल फीचर देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको जो है बेहद ही खूबसूरत साइन बोर्ड भी देखने के लिए मिल जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर ELL। यहाँ से आपको जो है बेहद ही खूबसूरत बिल्डिंग का नज़ारा भी देखने को मिल जाता है। अभी हम लोग खड़े हैं सेकेंड फ्लोर में, तो सेकंड फ्लोर से भी आप देख सकते हैं किस तरह से बिल्डिंग का बनावट यहाँ पर दिख रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। अगर मैं कहूँ कि रांची का सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराने में किसी कॉलेज का अगर नाम बोला जाए तो ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी बिल्कुल भी पीछे नहीं रहती है। यहाँ पर अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी नीचे का जो है आप देख सकते हैं किस तरह सीढ़ियाँ बनी हुई है। उसके अलावा मैं अगर आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो शायद आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको शायद पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊँ, लेकिन अगर आपको ज़रूरत होगी तो शायद मैं आपको ज़रूर मदद करूँगा। तो आप मुझे किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से हूं और मेरा भी डिपार्टमेंट मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में, आपको दिख जाएगा क्योंकि लास्ट में ही आपको मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में आपको दिखाऊंगा। यहां से आप देख सकते हैं अभी हम लोग जो है सबसे ऊपर के फ्लोर में है, बोला जाए तो वो फोर्थ फ्लोर में है अभी हम लोग, और फोर्थ फ्लोर से भी जो है पूरा बिल्डिंग का नज़ारा यहाँ पर देखा जा सकता है कि कितना खूबसूरत लगता है। अभी हम लोग नए बिल्डिंग में खड़े हैं, इसके अलावा आपको पुराना बिल्डिंग या फिर कैंपस देखने के लिए मिल जाएगा। हालांकि मैं वीडियो में कवर नहीं कर पाया, कोशिश करूँगा अगले वीडियो में ज़रूर कवर करूँ। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो, कितना परसेंटेज चाहिए इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, क्या CUT देना पड़ेगा, इन सभी की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। यह है BGMC डिपार्टमेंट एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।